हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभिषेक बच्चन को 2 साल बाद काम मिला, वो भी साइड रोल। अब बोले, ये इंडस्ट्री बहुत बुरी है। अभिषेक बच्चन ने अनुराग कश्यप की फिल्म मनमर्जिया से करीब 2 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की थी। इस फिल्म में उन्हें सेकेंड लीड रोल मिला था। फिल्म के विक्की कौशल और तापसी पन्नू लीड रोल में थे। फिल्म में सेकेंड लीड रोल होने पर अभिषेक ने अपना दर्द बयां किया है। अभिषेक करण जौहर के 4 शो कॉफी विद करण सीजन 6 में पहुंचे थे। उन्होंने बताया, किसी भी एक्टर के लिए यह बहुत बुरा लगने वाली बात है कि अन्य एक्टर को सेंटर स्टेज मिल रहा है और मुझे साइड रोल। ये इंडस्ट्री बहुत बुरी है, यहाँ सब कुछ कमाना पड़ता है। सेंटर से साइड आने पर दर्द तो होता ही है, यहाँ दिल दुखाने वाली चीजें ज्यादा हैं, लेकिन इसी को आपको अपनी शक्ति बनानी जरूरी है। बता दें कि कॉफी विद करण के अगले एपिसोड में अभिषेक अपनी बहन श्वेता बच्चन नंदा के साथ नजर आएंगे। अभिषेक की मनमर्जियां से पहले हाउसफुल 3 आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी। इस शो में अभिषेक बच्चन ने यह बताया कि वो अपनी माँ से ज्यादा डरते हैं कि पत्नी ऐश्वर्या राय से। करण ने अभिषेक से रैपिड फायर राउंड में यह सवाल पूछा था। इस पर अभिषेक कहते हैं कि माँ से, लेकिन तभी श्वेता कहती है कि नहीं, अभिषेक वाइफ से ज्यादा डरते हैं। श्वेता का जवाब सुनने के बाद अभिषेक उन्हें रोकते हुए कहते हैं, करण ने रैपिड फायर राउंड मेरे साथ शुरू किया है तो जवाब मेरा ही माना जाएगा। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।